Okay, so before moving on to the next event, I would like to ask a question. This is open to everyone. Okay, so it's not a very, you know, ज़्यादा science वगैरह नहीं करना है, general question. मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है, गाय दूध देती है, ऐसा कौन है जो दोनों देता है? Intelligent students of excellency. Let's move on to the next performance. तारीफें तेरी फैली हुई है हर जगह आसमान में, औकात क्या है मेरी जो लिखूं तेरे आसमान समान में, और जहां की मिट्टी को भी चूम आ जाता हूं, जहां की मिट्टी को भी चूम आ जाता हूं, आज छाती टोक के कहता हूं रहता हूं मैं हिंदुस्तान. सो प्रेजेंटिंग टू यू वर्षा टू गिव अ स्पीच ऑन इंडिया 2021. गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, वनकम. आई होप यू आर नॉट बोर्ड एंड यू आर एंजॉइंग टू द मैक्सिमम. आर यू ऑल? आई कांट हियर यू. ओके, इंडिया 2020. द होल वर्ल्ड हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल एंड उसका रीजन इज द कोविड 19. दे से व्हेन आई इज रिप्लेस्ड विद वी, इवन इलनेस बिकम्स वेलनेस. हमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वी वुड बी ट्रैप्ड इन स्मॉल बॉक्स लाइक होम्स, बिना किसी से मिले, बिना किसी से गले लगे, और ना ही बिना किसी से बात किए, सिर्फ इंटरनेट के कनेक्शन से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे. ऐसा लगता है मानो हम कोई हॉरर मूवी का पार्ट हो. विलेनियस कोरोना वायरस हैज किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड वी वर हेल्पलेस अबाउट इट. हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जिंदगी में एक सपना देखा होगा कि हमको 6 months की वेकेशन मिले, वो भी ट्वाइस अ ईयर. नहीं? या बट नाउ दिस इज ऑल नथिंग बट अ मीम कम ट्रू. रीजनेबली द सिचुएशन हैज गिवन अस लॉट्स टू लर्न अबाउट. शुरुआत में हम सभी एक वेकेशन ही मानते थे, बट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम इस लॉकडाउन से तंग आ चुके थे. दिल से आवाज निकलती थी, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल. फ्रॉम आस्किंग रसोड़े में कौन था टू एवरी वन मेकिंग माउथ वाटरिंग रेसिपीज, इस लॉकडाउन ने अपने अंदर के छुपे हुए संजीव कपूर को जगा दिया. श्योर. लॉकडाउन हैज मेड अस रियलाइज वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स दैट डिड नॉट मैटर अस दैट पॉइंट ऑफ टाइम. If many little people in many little places do many little things, then we can surely change this world. Think of the pandemic, और ये dialogue सबके दिमाग में आता है. आसान भाषा में बोलूँ तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दिए. Lockdown has given us many opportunities and lessons about life. We have learned to handle difficulties in a different manner with a positive mind. A little poetess in me wants to sum up my thoughts with a piece of poetry. काश जिंदगी एक किताब होती, पढ़ सकते कि आगे हम क्या होते, क्या पाएंगे और क्या भी खोएंगे, क्या थोड़ी खुशी मिलेगी और क्या ये दिल रोएगा. काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, फाड़ सकते हम उन लम्हों को जिन्होंने हम खोया था, जोड़ सकते उन पन्नों को जिनकी यादों ने हमें हंसाया था, फिर शायद हम हिसाब लगा पाते हम कितने पाए और हम कितने खोए. काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती, कोविड से आंखें चुराकर आगे चले जाते, पर टूटे हुए सपने के फिर से बुनियाद सपने जुड़ाते, कुछ पल के लिए थम जाते, काश हम जिंदगी के वो पन्ने होते. धन्यवाद. January 26, 1950 is the day when the constitution of the India came. Today is the day which has came again. Let's rock it with a very unique way. बोलो भारत माता की जय, कुछ भी मुसीबत तो हम रहेंगे आगे.
चाहे जो करना है वो तू करने आगे। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई रहेंगे हमेशा एक, तुम जो होता है जो वो कर ले अंग्रेज। हमारी ना बिदेगी टूटेगी रहेगी एक, हिम्मत है तू आके लड़ ले हमारे जवानों से, एक भी ना बच के निकलेगा हमारे इंडिया से। भारत में हमारी माँ और उनके बच्चे अनेक, उन बच्चों में से कुछ शैतान जो करते हैं रेप। आज के दिन हम कसम खाते हैं बनके एक, उन रेपिस्टों को देंगे सजा एक से बढ़कर है। एक दिन ऐसा होगा जब इंडिया होगा रेप फ्री, किसी का रेप हुआ तो बन जाएंगे खतरी। महिलाओं को देंगे इज्जत बिना खरम की, रेपिस्ट लोगों को बना देंगे हम हिस्ट्री। आखिरी दो लाइन कहना चाहूँगा तुमसे, हम मैं वो देशवासी का बिना झुके। कसम देते हैं तुझे ना देखा होगा अगेन, जिससे हम देश सुख झुकना पड़े तुम्हारे सामने।